घर की दक्षिण दिशा में, आपके घर की दक्षिण दिशा में अगर पूरी रात तक कोई दीपक जला सके, अखंड ज्योत, आपका असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु टल जाएगा। ये यमराज जी का वरदान है। आयुर्वेद के अंदर ये जो धनिया है ना, ये जो सब्जी में हम खाते हैं, बहुत आपको लगता होगा साधारण सी चीज है, नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण एक जड़ी बूटी है। नमस्कार, नमो नारायण। दिवाली के पर्व की सजावट, दिवाली के पर्व की रोशनी घर घर दिखाई देने लगी है, और हम आज धनतेरस, धन लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी की बात करने जा रहे हैं। जगत में किसको लक्ष्मी नहीं चाहिए, लेकिन क्या आपको पता है लक्ष्मी कितने प्रकार की होती है? आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, वीर लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, विजया लक्ष्मी और विद्या लक्ष्मी। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है, और हम ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि गांधी छाप एक ही लक्ष्मी होती है। नहीं, जिस तरह से लक्ष्मी 8 प्रकार की होती है, उसी तरह से 8 स्तोत्रों की रक्षा करने वाली भी लक्ष्मी जो होती है, वो क्या 8 हैं स्तोत्र? आध्यात्मिक है, भौतिक धन है, कृषि है, राज परिवार है, ज्ञान है, साहस है, संतान है और जीत है। इन सब में लक्ष्मी जी का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में आपके पास सब कुछ हो, अगर श्री नहीं है, क्योंकि श्री में ये 8ों 8 आ जाएगी। गीता जी का वो श्लोक है ना, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर भूति ध्रुवा नीतिर मतिर भुवा। जहां कृष्ण है वहां श्री रहेगी। तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति के पास, जिस मनुष्य के पास श्री नहीं है, वो दरिद्र है, क्योंकि श्री के बिना आप श्रीहीन हो जाते हो। हम अपने नाम में श्री या श्रीमती क्यों लगाते हैं? हम सबको श्री की आवश्यकता है। तो श्री का पर्व दिवाली पर धनतेरस, और धनतेरस के दिन अगर ठीक से लक्ष्मी पूजन आप करते हैं, तो पूरे वर्ष उसकी कृपा बनी रहती है। आप मित्रों के अनुरोध पर, जैसे कि मैंने बताया था कि ऑफलाइन तो हम नहीं, संसाधन सीमित होने से आपको नहीं बुला पाए संस्कार केंद्र पर, लेकिन ऑनलाइन हमारा धनतेरस का विशेष पूजन होने जा रहा है। 10 तारीख नवंबर शुक्रवार, शुक्रवार लक्ष्मी जी का ही दिन, धनतेरस का योग, सिर्फ 2 घंटे, 6 से 8। करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, उस लिंक पर जाकर के आपको रजिस्टर करना है। जितनी जल्दी हो सके आप इसको करेंगे, और धनतेरस के दिन आप अपने सामने अपना श्री यंत्र अथवा तो लक्ष्मी जी की मूर्ति लेकर के बैठेंगे। मैं स्वयं जो जो चीज़ें लक्ष्मी जी की पूजा के लिए शास्त्रोक्त पद्धति से है वो करेंगे, और साथ में इसमें होम भी होगा, सहस्त्र नाम का, ललिता सहस्त्र नाम के 1000 नाम होंगे, श्री यंत्र का अभिषेक होगा। तो बाद में वो प्रोग्राम यूट्यूब पे तो आ ही जाएगा, परंतु लाइव देखने का एक आनंद, उसमें पार्टिसिपेट करना एक अलग आनंद है। तो मिलते हैं 10 तारीख शुक्रवार को, धनतेरस के दिन। तो धनतेरस का महत्व हजारों सालों से हमारे परंपरा में, आपने अगर देखा होगा तो हमारे नाना नानी दादा दादी चांदी की कोई ना कोई चीज खरीद किया करते थे। चांदी की ही क्यों? क्योंकि चांदी एक तो शुद्ध है, ठंडी है, और चांदी का लक्ष्मी जी से बहुत बड़ा कनेक्ट है, जुड़ाव है। बाद में जब हमारी इनकम थोड़ी बहुत कम हुई होगी, तो लोगों ने स्टील के बर्तन, तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन लेने भी शुरू किए। लेकिन इसमें एक दूसरा राज क्या है, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज इतने स्मार्ट थे, इतने इंटेलिजेंट थे, कि वो उस समय तो बैंकिंग सिस्टम डेवलप नहीं था ना, बैंकिंग सिस्टम था नहीं, ये पेपर करेंसी नहीं थी, सारे की सारी मेटल्स के ऊपर चल रहा था। तो प्रत्येक घर में कुछ सेविंग हो हर साल, कुछ उसके लिए सिक्योरिटी बढ़े, तो आप कैसे बढ़ाओगे? तो उसको धर्म से जोड़ करके उन्होंने धनतेरस के दिन कुछ खरीदारी करो, सोने की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, कम से कम कुछ जोड़ो, तोड़ो मत, जोड़ो। तो आप भी इस धनतेरस को कुछ जोड़ें, शुभ संकल्प लेकर के जोड़ें। दूसरा, धनतेरस के दिन दीपदान भी होता है। ये जो पर्व है, ये 3 पर्व एक साथ आ जाते हैं। दीपदान का महत्व क्या है, कहानी तो उसमें मैं आपको बताऊंगा, अगर चलते चलते राजा हेम की, कि राजा हेम जो है उनको किसी ज्योतिषी ने बताया, पुराण की कहानी है,
कि ज्योतिषियों ने बताया कि भाई आपके बेटे की अगर शादी होती है तो चौथे दिन के बाद ही उसका मृत्यु का योग बनेगा। तो राजा हेम ने कहा तो फिर मुझे अपने बेटे को ऐसी जगह भेज देना चाहिए जहां पर वो उसको लड़की या कोई स्त्री का दर्शन ही ना हो। पर विधि के विधान को कोई तोड़ नहीं सकता। राजा हेम ने अपने बेटे को ऐसी जगह भेजा जहां कोई स्त्री का उसको दर्शन नहीं हो रहा था, लेकिन उस प्रकृति, उस विराट, उस कॉस्मिक डिजाइन के अंदर एक दिन एक राजकुमारी उसी एरिया से गुजरती है और राजा हेम के पुत्र की उस पर नजर पड़ती है। दोनों में प्रेम होता है, दोनों गंधर्व विवाह करते हैं। विवाह के होते ही चौथे दिन जो मृत्यु योग था वो सामने आ गया। अब जब चौथे दिन मृत्यु योग आ गया तो यमराज के दूत उसको लेने के लिए पहुंच गए। तो राजा हेम की बहू नवविवाहिता थी, चौथे दिन का मतलब विधवा योग, खूब कल्पांत हृदय से रोदन करती हुई विलाप करती है और ऐसा विलाप कि यम दूतों के हृदय भी पिघल गए। तो उनमें से एक यमदूत यमराज जी से पूछता है कि प्रभु, आप इस तरह से जो ये मृत्यु के देवता हैं और इस तरह से खींच के ले आते हैं, लोग इतना रोदन करते हैं, क्या कोई रास्ता नहीं है कि मृत्यु को असमयक रोका जा सके? इतनी जवानी में ये राजा का बच्चा मर रहा है तो उसको कैसे रोके हम? यमराज जी कहते हैं कि देखो, विधि के विधान को मैं भी नहीं बदल सकता हूँ, मैं भी एक ड्यूटी कर रहा हूँ। जैसे पुलिस वाला अगर किसी को पकड़ता है तो वो ड्यूटी कर रहा है, उसका कोई व्यक्तिगत उससे दुश्मनी नहीं है। तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और ड्यूटी के तरह मृत्यु के अधीन मुझे वो आत्मा ले लेनी पड़ती है। पर हाँ, मैं एक रास्ता बता देता हूँ कि अगर धनतेरस वाले इसी दिन, कार्तिक मास की जो ये आएगी त्रयोदशी के इसी दिन, घर की दक्षिण दिशा में, आपके घर की दक्षिण दिशा में अगर पूरी रात तक कोई दीपक जला सके, अखंड ज्योत, बहुत अच्छा, नहीं जला सकते हो, कम से कम सूर्यास्त के बाद थोड़ी देर के लिए ही दीप प्रज्वलित कर लो, तो आपका असामयिक मृत्यु, अकाल मृत्यु टल जाएगा। ये यमराज जी का वरदान है। तो धनतेरस का एक ये महत्व रहा। फिर धनतेरस का दूसरा महत्व क्या है? ऐसा कहा जाता है कि अमृत मंथन के समय इसी दिन धन्वंतरी भगवान का जन्म हुआ है। धन्वंतरी भगवान अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर के बाहर प्रकट होते हैं और धन्वंतरी तो भगवान तो आपको पता ही है, आयुर्वेद के भगवान माने जाते हैं और भारत सरकार ने इस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया हुआ है। तो धन्वंतरी जी आयुर्वेद के अंदर तो पूजनीय हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि जो भी सनातनी है उनको धन्वंतरी भगवान के विषय में थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। थोड़ा सा गूगल करके पढ़ोगे, धन्वंतरी जी की कृपा प्राप्त करोगे तो आपको ये असामयिक रोग या बीमारियां, दुख क्लेश नहीं होंगे, क्योंकि धन्वंतरी जी जो हैं वो इन सभी का निदान करने के लिए सक्षम माने जाते हैं। दूसरा, इसी धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी का भी प्रागट्य दिवस माना जाता है कि वो अमृत मंथन हो रहा था, उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट होती हैं, तो ये दिन लक्ष्मी जी से भी जुड़ा हुआ है। अब जब हम लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं तो लक्ष्मी जी के पूजन में आपने देखा होगा जो अरेंजमेंट होते हैं फोटोज़ के, वो धन्वंतरी जी भी उनमें रखे जाते हैं। कुबेर देवता या कुबेर का यंत्र होता है, माँ लक्ष्मी होती है, गणेश होता है और भगवान विष्णु। भगवान विष्णु क्यों? क्योंकि लक्ष्मी जी तो विष्णु के साथ रहेंगी, तो विष्णु जी रहेंगे ही रहेंगे, तो श्री रहेगी तो श्रीपति रहेंगे, श्रीनाथ रहेंगे, तो ये अपने आप में फ्रेम पूरा होता है। और गणेश जी और लक्ष्मी जी के संयुक्त होने की कहानी हम ऑलरेडी कहीं बोल चुके हैं, तो वो आप देख लेना कि जहाँ लक्ष्मी जी रहेंगी वहाँ गणेश जी उनके मानस पुत्र के तरीके से रहते हैं। अब धनतेरस, इसमें 13 ही क्यों है? तेरस मतलब 13, 13 क्यों है? अगर आप गहराई से सोचोगे तो सब कुछ दीना आपने, बेट दरू क्या मैं नाथ, नमस्कार बेट हमारी आप स्वीकार कर लो, 13 13 सब कुछ 13 है। नानक कहते हैं ना, सब 13 है, मेरा कुछ नहीं। लेकिन धन तेरस का एक और अर्थ जो हम मानते हैं वो है धन्य तेरस और एक है ध्यान तेरस। धन्य और ध्यान क्यों? ध्यान तेरस इसीलिए कहा जाता है कि भगवान महावीर इसी दिन तीसरे और चौथे ध्यान में गए और 3 दिन के बाद योग निरोध करते निर्वाण को प्राप्त होते हैं। दिवाली के दिन महावीर जी की निर्वाण तिथि है वो, तो धनतेरस अपने आप में, क्योंकि दिवाली के ये जो दिन है ना बड़े शुभ हैं। जितना हो सके किसी को उलझना मत, किसी से उलझन वाली बातें मत करना, बिल्कुल आनंद रहना और जितना हो सके पूजा पाठ है, नित्यनेम दान पुण्य, गरीबों को देखना, शुभ शुभ करना, तो सब शुभ शुभ होगा। उसी दिन धनतेरस के दिन
साबुत धनिया होते हैं, साबुत धनिया तो आप मसालों में यूज़ करते हैं, तो धनिया जो होता है साबुत धनिया भगवान धन्वंतरी को अर्पित किए जाते हैं, और कुछ धनिये साबुत अपने तिजोरी में लोग रखते हैं, वो धन का प्रतीक है, और कुछ लोग उन्हीं दानों को दान जो धनिया के बीज हैं उनको ज़मीन में बो देते हैं और उनमें से हरे धनिये निकलते हैं। मैं आपको बताऊं आयुर्वेद के अंदर ये जो धनिया है ना, ये जो सब्जी में हम खाते हैं, बहुत आपको लगता होगा साधारण सी चीज़ है, नहीं नहीं ये बहुत महत्वपूर्ण एक जड़ी बूटी है और उसकी बहुत से उपयोग सदुपयोग हैं। आज का विषय नहीं है क्योंकि आज का आपका विषय तो लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है, तो मैं उसको कहाँ सब्जी में ला रहा हूँ, लेकिन याद रखिएगा ये जो धनिया है बहुत ही उत्तम स्वास्थ्यवर्धक और काफ़ी कुछ साधना में आध्यात्मिकता में भी उसका महत्व होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवान धन्वंतरी जी की वो कहानी, कलश लेकर पैदा होना, और जैन आश्रम में धनतेरस को बहुत महत्व दिया गया है। धनतेरस के विषय में अगर हम और आगे 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 आपको बताते जाएंगे तो आप कहोगे कि धनतेरस के आगे दिवाली भी तो आती है, उसके विषय में कब बताओगे। तो मैं तो यही कहूँगा कि अष्टलक्ष्मी की आप पूजा उस दिन व्यवस्थित करें, अष्टलक्ष्मी का स्तोत्र का पाठ करें, गूगल पे आपको मिल जाता है, और जितना हो सके दीपदान के मनोभावना से दक्षिण दिशा में दीप को प्रागट्य करेंगे। धनिया वाली बात मैंने आपको कही है, उसका इस बार प्रयोग करेंगे, आपको बहुत बहुत फायदा होगा, पूरे साल फायदा होगा, और हर साल इसको नियम में बना दें, आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कार दें। हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार जो हैं वो इतने हजारों हजारों सालों से ये वैज्ञानिक तरीके से जाने माने गए हैं, इनको अपनी पीढ़ियों तक धरोहर समझ कर पहुँचाएँ, और इन पर्वों पर, रोशनी के इन पर्वों पर अपने मन के भीतर भी रोशनी लाएं, अड़ोस पड़ोस में भी रोशनी लाएं, अपने भाइयों बहनों और धर्म से जुड़े हुए, संस्कृति से जुड़े हुए लोगों के मन में खुशियां आएं। इसके लिए मिठाइयां वगैरह का अरेंजमेंट है, पर एक करबद्ध हाथ जोड़ करके निवेदन, स्वदेशी बनिएगा, स्वदेशी चीज़ों का उपयोग करिएगा, विदेशी और देश के जो दुश्मन हैं उनके लिए कुछ भी आपको करना नहीं है। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर, तब तक के लिए नमो नारायण।